आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शनि की छाया से सभी डरते हैं, उस शनि के पैर को लंका नरेश रावण ने काट डाला था। इस बात को तो सभी जानते हैं कि रावण ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था। रावण की इच्छा थी कि उसका पुत्र दीर्घायु होने के साथ ही सर्वशक्तिमान हो। इसलिए जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी तो रावण ने इच्छा जताई थी कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे नक्षत्र में पैदा हो जिसमें कि वो महापराक्रमी के साथ ही दीर्घायु हो। इस बात को लेकर रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाथ के जन्म के समय शुभ और श्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। रावण के डर से सारे ग्रह रावण के इच्छा अनुसार उच्च स्थिति में उपस्थित हो गए। लेकिन शनि देव को रावण की ये बात पसंद नहीं आई। रावण जानता था कि शनि देव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजमान नहीं होंगे। इसलिए रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनि देव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उसके होने वाले पुत्र की उम्र लंबी हो सके। शनि देव परिस्थिति वश उस समय रावण की मनचाही स्थिति में चले गए। लेकिन जब मेघनाद के जन्म का समय आया तो शनि देव ने अपनी दृष्टि वक्र कर ली। नतीजा ये हुआ कि मेघनाद अल्प आयु हो गया। इस बात का पता जैसे ही रावण को चला तो वो क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार से शनि के पैर पर प्रहार कर उनका पैर काट लिया। यही कारण है कि तभी से शनि देव लंगड़ा कर चलते हैं।